क्या रामायण सच में हुई थी या यह सब एक मनगढ़ंत कहानी है? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की यह वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिला कर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाओगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी यह सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लोक ब्रह्मण में। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? या हनुमान जी क्या अपनी इच्छा से रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएँ पूर्ण रूप से सत्य हैं। नंबर एक, रामायणकालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ कि उससे भी ज़्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारियाँ और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन्हीं हवाई अड्डे से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि इसमें लिखी हुई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वह भी सच हैं। नंबर दो, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और यह दावा है कि महल रामायण काल का है। इस महल के कई सीक्रेट रास्ते हैं जो उसे महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि किसी समय में इंसानों द्वारा बनाई गई थी। श्रीलंका की हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही गायब होकर अपने ही महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं? नंबर तीन, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है जिसे विरांग टोंग कहते हैं। ये वरियांगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर माता सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज़्यादा चौंकाया वह है यहाँ के मौजूद पेड़। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया। और अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज का यह गार्डन है जिसे हम रामायणकालीन एक सबूत मान सकते हैं।
नंबर 4 द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनके जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पर्वत के टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वही निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था, लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वह वहां आज भी मौजूद हैं। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती हैं। और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटी के पौधे उस स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5 राम सेतु। रामायण सच में हुई थी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। इसके बारे में पक्का सबूत तब मिला जब नासा ने पैसिफिक ओशन की सैटेलाइट तस्वीर जारी की। उस तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से से साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि पत्थरों से बनी लाइन भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को पत्थर से बना पुल नजर आया था, यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी इस रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैन मेड ब्रिज है, जो कई हजार साल पहले इंसानों के द्वारा बनाया गया था। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6 सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुमदुमी नाम के राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुमदुमी के शरीर से कुछ खून की बूंदे मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह किसकी हरकत है। क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि कभी भी बाली ऋषि के इस पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी। बाद में राम जी ने बाली का वध कर दिया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था, और यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7 राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से ही श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। रामेश्वर में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वे तैर रहे थे और दूसरे पत्थर पानी में डूब जा रहे थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जिस कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था और उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु बनाने में किया। यह रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8 जली हुई लंका के सबूत।
रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका में सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल मिट्टी को होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर नहीं टाल सकते। अब जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, यहाँ तक इतने सारे प्रूफ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते, इसलिए यह साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।